तो स्पॉइलर चाहिए तो मर्डर की अगर मैं बात करूं तो कितना सस्पेंस था। सस्पेंस इस फिल्म में पता ही नहीं, एंड तक पता नहीं चलता कौन सस्पेंस है। हाँ। वही बात है सस्पेंस के। सो आपने जिसको किलर समझा था, क्या वही किलर निकला? मैं ऐसा समझ रहा था, लेकिन वो लास्ट में कोई और ही दिखा रहा है। नॉट रियली, मतलब इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो दे हैव प्लेड विद योर ब्रेन एक्चुअली, और क्लाइमैक्स जब आता है तो मतलब आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ, मैं वही सोच रहा था। हाँ, मेरे को पता था, जिस तरह उसकी एंट्री हुई थी ना, पता लग गया था कि वही विलेन है। वही खूनी है, वही जिसको जिसको जो सोचा था वो वही है। मुझे पता था इसको इनोसेंट दिखाएंगे, वो इनोसेंट थी। अच्छी लगी इस पिक्चर की जान है गाने और म्यूजिक। यंगस्टर के लिए तो बेस्ट मूवी है, कपल यंगस्टर के लिए। फिल्म देखो, फिल्म में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं उसको बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो तो ऑडियंस है हम तो। इसमें एक्टिंग वाइज कहेंगे हम कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग नहीं लगी मुझे अच्छी। जॉन की एक्टिंग के बाद, जॉन की एंट्री के बाद लगा कि हाँ आप कुछ देखने लायक है, अब देखते हैं। तो और तारा सुतारे की भी एक्टिंग इसमें अच्छी है। मुझे कोई खास नहीं लगी, पर हाँ जब जॉन आए हुए हैं तब जाके मूवी में कुछ जान आई कि हाँ सीटियाँ बजे, ये हुआ वो हुआ। मुझे बहुत बुरी लगी मूवी, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कि फर्स्ट मूवी जितनी अच्छी बनाई गई थी, स्टोरी पे काम किया गया था अच्छी तरह, कि एक एक चीज़ को दिखाया गया था, वो इमोशन कनेक्ट हो रहे थे। इसमें सिर्फ विलन नाम के ऊपर काम किया गया कि विलन है, बट वो चीज़ यहाँ तक पहुँचती नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाती। कास्टिंग बहुत अजीब लग रही है और वो चीज़ इमोशन है ही नहीं, वो सिर्फ उसके, मेरे को ऐसा लगता है कि पहली मूवी के नाम पे बस कमाने के लिए दूसरी मूवी बना दी है। उसके अलावा बस आखिरी के 3 सेकंड अच्छे हैं जब रितेश देशमुख आता है। मतलब बहुत मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ तो अच्छा होगा, ट्रेलर इतना अच्छा काटा था, उस हिसाब से फिल्म नहीं अच्छी लगी। सर प्लीज़ कुछ अच्छा कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे ले लेना यार कास्ट करके, मैं अच्छा कर दूँगी। रितेश देशमुख 3 सेकंड के लिए आए पर वो पूरी फिल्म को खा गए, मतलब पूरी फिल्म में सन्नाटा था, और जैसे ही रितेश सर की एंट्री होती है ना, सब लोगों ने हूटिंग और सीटियाँ बजानी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो क्लैपिंग मैंने करी थी कि हाँ चलो 3 सेकंड मेरे अच्छे गए। दो स्टार बहुत है, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक आई सॉ द ट्रेलर एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस मूवी इज म्यूजिक। आई लव्ड ऑल द सॉन्ग्स, हर्ड देम ओवर एंड ओवर अगेन, एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। तो आज देखा तो सॉन्ग्स हैव बीन पिक्चराइज सो वेल ऑन द बिग स्क्रीन, एंड यू नो चाहे वो शामत हो या गलिया रिटर्न्स या कोई भी, मतलब दिल, ऑल द सॉन्ग्स आर सो नाइस। प्लस इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं ऑल थ्रू द मूवी, एट एवरी पॉइंट देयर इज अ ट्विस्ट, एंड टिल द इंटरवल यू थिंक कि अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, दिशा पटनी, जॉन अब्राहम, ऑल ऑफ देम आर यू नो विलन्स या हीरो कौन है। तो वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको देख के मजा आएगा, राइट टिल अप टिल द क्लाइमैक्स यू विल बी लाइक एट द एज ऑफ योर सीट। आई थिंक विक्रांत रोना की बात करिए आप, विक्रांत रोना एक अलग ही जॉनर है, उसकी भी अपनी ऑडियंस है, लेकिन ये यंगस्टर्स के मन में बहुत भा जाएगी, मतलब एक एक गाना आपके रोम रोम में बच जाएगा। तो वो म्यूजिक एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस स्टोरी, असीम अरोरा के डायलॉग्स और रोहित सूरी का डायरेक्शन और स्टोरी बहुत ही पावरफुल है। एक जैसे डायलॉग है कि मरना पसंद है लेकिन हारना नहीं, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं, तो मज़ा आएगा देख के। ओके, सो इसके अलावा अगर मैं जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फाइट सीक्वल की बात करूं, बहुत शानदार, एक मेट्रो में उनका फाइट सीक्वेंस है, और भी जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बहुत मज़ा आएगा यंगस्टर्स को देख के। वेल, एक विलन वन इतनी ज़्यादा पसंद की गई थी क्योंकि उसमें रितेश देशमुख थे। वो भी उसका भी एक अलग ही चार्म था जो